देखो यस बोर्ड पे देखो, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल का मेन काम क्या होता है? फोटोवोल्टिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ऑप्टिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी कि फोटोवोल्टिक सेल इज अ डिवाइस या इज एन अरेंजमेंट विच कन्वर्ट्स ऑप्टिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक। अब ऑप्टिकल एनर्जी कैसे होती है? ऑप्टिकल एनर्जी एच न्यू, याद है, फोटॉन्स। क्योंकि लाइट किस फॉर्म में इंसिडेंट होती है? फोटोन फॉर्म में। और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू। इज इट क्लियर? अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट फोटो इमिसिव सेल, सेकंड फोटो वोल्टिक सेल, सेकंड होती है फोटो क्या, वोल्टिक सेल, ठीक है ना। और थर्ड होती है क्या, फोटो कंडक्टिव सेल, ठीक है ना। फोटो इमिसिव सेल के बारे में पहले बता दो। फोटो इमिसिव सेल में एक स्पेरिकल बल्ब होता है, ठीक है। स्पेरिकल बल्ब का एक पार्ट माने जो जहां से लाइट, जहां पर लाइट इंसिडेंट होगी, एक साइड तो ट्रांसपेरेंट होगा और नेक्स्ट साइड पर हम किसी भी फोटो सेंसिटिव मेटल या फोटो सेंसिटिव मटेरियल की पॉलिश कर देंगे इनर साइड पर। फोटो सेंसिटिव मटेरियल लाइक सोडियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम किसी की भी पॉलिश कर देंगे एक एंड पर। किसकी पॉलिश करेंगे? फोटो सेंसिटिव मटेरियल की पॉलिश कर देंगे। और इस ये एक रिंग टाइप की होती है, तो इसकी जगह पर रिंग ले लेते हैं, रिंग की जगह पर एक वायर यूज कर लेते हैं, कंडक्टर वायर होता है किसी भी कंडक्टर का, लाइक कॉपर का वायर हो सकता है, एल्यूमिनियम का वायर हो सकता है, ठीक है। एक वायर यूज करते हैं, इससे स्ट्रेट वायर भी हो सकता है या रिंग फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक। उस वायर को हम कहां से कनेक्ट करते हैं? एक वायर के द्वारा। और ये वाला पार्ट को क्या करते हैं, ये रबर लगी हुई है ताकि ये इससे टच ना करे, ठीक है ना। ये बीच में रबर लगी हुई है, इंसुलेटर, ठीक है ना, ठीक है। इस वायर को हम कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू एक बैटरी से, कनेक्ट कर दिया बैट। एज यू सी इन फिगर की बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये कैसा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। गेटिंग माय पॉइंट? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को यहां से अटैच कर दिया नॉन कंडक्टर टर्म से, ठीक है ना, बल्ब से। बल्ब का ये वाला एंड कैसा था? ट्रांसपेरेंट था। इस एंड पर देखो, अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है, बैटरी के थ्रू कोई कंडक्ट करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों फ्लो नहीं होगा? बिकॉज सर्किट कंप्लीट नहीं है। देखो सर्किट कंप्लीट नहीं है ना। तो अब क्या होगा, यहां ट्रांसपेरेंट पार्ट पर क्या इंसिडेंट होगी? लाइट इंसिडेंट होगी तो फोटोन गिरेंगे। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू। ये फोटोन कहां इंसिडेंट होंगे? फोटो सेंसिटिव मटेरियल, क्योंकि ये पार्ट तो ट्रांसपेरेंट था, ट्रांसपेरेंट पार्ट से ट्रांसमिट होके कहां पर इंसिडेंट होंगे? बोलो, सेंसिटिव मटेरियल पर इंसिडेंट होंगे। और जब फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर इंसिडेंट होंगे फोटोन, फोटोन की एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। किसके? फोटोसेंसिटिव मटेरियल के। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे तो आफ्टर गेनिंग सम एनर्जी फ्रॉम फोटॉन्स, कौन गेन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इमिट होंगे। इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? ये एनोड। एनोड को हमने एक्सटर्नल सोर्स यानी कि बैटरी से कैसा चार्ज दिया है? पॉजिटिव। तो एनोड के द्वारा क्या अट्रैक्ट करिए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, हाँ ना, बोलो। अब जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे एनोड से, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस पर गैदर हो जाएंगे? एनोड पर, हाँ ना, बोलो। तो एक्सटर्नल सर्किट में एक करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा? बोलो। जिस करंट को डिटेक्ट करने के लिए यहां पर क्या लगा होगा? एक गैल्वेनोमीटर लगा होगा। क्या लगा होगा? गैल्वेनोमीटर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो, इज इट क्लियर? तो ये था फोटो इमिसिव सेल के द्वारा ऑप्टिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। ये फर्स्ट टाइप ऑफ फोटो सेल है, इज इट क्लियर? बोलो। लाइट इंसिडेंट हुई, फोटो सेंसिटिव से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया किसने? एनोड ने। एनोड को इस वायर को हमने पॉजिटिव टर्मिनल कैसे बनाया? एक्सटर्नल सोर्स, इज इट क्लियर? नाउ नंबर टू इज फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल में पहले मैं एक्सप्लेन कर लूं फिर पूछ लेना। फोटोवोल्टिक सेल में क्या होता है? फोटोवोल्टिक सेल में कोई भी तुम्हें बैटरी दिख रही है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ दिख रहा है क्या? बोलो, कोई फोटो तुम्हें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी दिख रही है, हाँ है ना, बोलो। नहीं तो ठीक, क्या? देखो इसमें क्या होता है, एक कॉपर की प्लेट होती है, कॉपर की प्लेट के ठीक ऊपर किसकी एक लेयर लगा रखी होती है? CO2 की, ठीक है। तो CO2 यानी कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर लगी हुई है, उसके ऊपर एक सिल्वर की पॉलिश करी जाती है या ट्रांसपेरेंट पॉलिश होती है सिल्वर की। गेटिंग? सिल्वर की पॉलिश क्यों करते हैं? बिकॉज सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, और कंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है, वो अपने पास कोई नहीं रखता है, तुरंत का आगे ट्रांसमिट कर देता है, हाँ है ना, बोलो। अब देखो
एक्सटर्नल सोर्स नहीं, यहाँ आरएन माने लोड रेजिस्टेंस, पहले पढ़ चुके हैं ठीक है। लोड रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स में हमें क्या मिलता है, आउटपुट वोल्टेज। कैसे मिलता है वो हम यहां पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लाइट इंसिडेंट होती है कौन से पार्ट पर, सिल्वर वाले पार्ट पर। गेटिंग माय पॉइंट ऑन? सिल्वर वाला पार्ट कैसा था, ट्रांसपेरेंट था। ट्रांसपेरेंट पार्ट से लाइट आगे ट्रांसमिट हो जाएगी, किस पे गिरेगी, CO2 पर। किस पर गिरेगी, CO2 पर। CO2 पर लाइट इंसिडेंट होगी तो लाइट किसके फॉर्म में इंसिडेंट होती है, फोटोन के फॉर्म में। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h nu। जोर से बोलो, h nu। फोटोन की एनर्जी जो h nu होती है, वो h nu एनर्जी किससे मिलेगी, किसके इलेक्ट्रॉन की मिलेगी, CO2 के इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। आफ्टर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फोटोन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CO2 हैविंग टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस, यहां से एस्केप करेंगे। या जब इलेक्ट्रॉन एस्केप करेंगे तो एस्केप किधर करेंगे, ऊपर की तरफ एस्केप करेंगे। हाँ ना बोलो। अब तुमने पढ़ा एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लो केमिस्ट्री का। Na इलेक्ट्रॉन देता है, Cl इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचता है वहां कैसा चार्ज दे के जाता है, नेगेटिव। जहां से जाता है वहां क्या, तो इलेक्ट्रॉन कहां से एस्केप हुआ, CO2 से। तो CO2 पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा। और यहां पर Ag पर कैसा पोटेंशियल आ जाएगा, नेगेटिव। तो दो टर्मिनल्स डेवलप हो गए, नहीं दो वोल्टेज डेवलप हो गए, नहीं हो गए। ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। जिस कारण एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यही तो आउटपुट पोटेंशियल है जिसके कारण करंट फ्लो कर सकता है। नहीं आई बात, क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड है फोटो कंडक्टिव सेल। क्या फोटो कंडक्टिव सेल में तुमने देखा होगा हमने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी यूज की है, हाँ ना बोलो। तो करंट फ्लो करना चाहिए, करंट एक्स्ट्रा फ्लो करना चाहिए ना। बट यहां पर हमने सेलेनियम यूज किया है। सेलेनियम क्या है, एक सेमी कंडक्टर। क्या है सेलेनियम, सेमी कंडक्टर है। तो इसका बैंड थ्योरी तुमने पढ़ी थी ना, बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका इनके बीच का गैप ज्यादा होता है तो इजीली करंट फ्लो स्टार्टिंग में नहीं करता है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर का थ्योरी पढ़ा था ना, डिप्लेशन लेयर के कारण करंट फ्लो नहीं करता। अब होगा क्या, यहां से हमने इसे सेलेनियम को, देखो ये आयरन प्लेट है, ऊपर सेलेनियम यानी कि एज अ सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट मेटल शीट लगी हुई है। क्या लगी हुई है, तो हमने कनेक्ट कनेक्शन तुम्हें दिख रहे हैं। यहां पर क्या गिरा, लाइट। लाइट के फॉर्म में क्या गिरा, फोटोन। फोटोन के फॉर्म में क्या गिरी, इंसिडेंट। क्या इंसिडेंट हुई, लाइट इंसिडेंट हुई। लाइट किस पर इंसिडेंट हुई, सेलेनियम पर। किस पर, जब लाइट सेलेनियम पर इंसिडेंट होगी तो सेलेनियम का रेजिस्टेंस, मतलब ये जब लाइट यहां पर गिरेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। किसका टेम्परेचर बढ़ेगा, सेलेन। और तुमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ता है यानी कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा या नहीं होगा, जब इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगा या नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट ऑन नॉट, हाँ ना बोलो। तो इस कारण से करंट कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट ऑन नॉट, हाँ ना बोलो। इस सर्किट का देखो, फिर से बोल रहा हूं, सेलेनियम एज अ सेलेनियम क्या लगा हुआ है, सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या इंसिडेंट हुआ इस पर, फोटॉन्स। जब फोटॉन इंसिडेंट हुआ, बिना आगे बोलो, फोटॉन इंसिडेंट हुआ तो यहां से ये गर्म हुई, हीट अप हुई। जब ये हीट अप हुई तो क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो करंट कंडक्ट हो गया। इज इट क्लियर नॉट। इस सर्किट का यूज अधिकतम स्ट्रीट लाइट पे करते हैं। स्ट्रीट लाइट्स में सूरज निकला, लाइट ऑफ रिवर्स फॉर्म में, नहीं है बस। तो ये सब था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इज इट क्लियर, अरे बोलो। ठीक है ठीक, कोई क्वेश्चन सर? ये लाइट जब फोटोन ट्रांसपेरेंट मेटल शीट पे वो इंसिडेंट होगी तो सर इसकी जो ट्रांसपेरेंट मेटल शीट है उसके इलेक्ट्रॉन किधर बैठ सकते हैं? नहीं, पहले तो इसका रेजिस्टेंस को कम करेगा ना इसका, क्योंकि ये डोमिनेटिंग है ना, ये डोमिनेटिंग। देखो बैटरी तो ये डोमिनेटिंग है तो ये से डोमिनेट कर देगा ना, ठीक है। पहले तो इससे इसका रेजिस्टेंस कम होगा, कि तुमने पढ़ा था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसका, सिम करना। तो उसकी जब डिक्रीज होगा तो वो अच्छे कंडक्टर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो इसीलिए पहले क्या, सेलेनियम का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए तो हमने सेमीकंडक्टर यूज किया। हाँ, अगर हम कंडक्टर यूज करते सेलेनियम की जगह पे तो वही होता जो तुम कह रहे हो, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर सेलेनियम।